हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटेट 2021 की परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने सारी नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का, 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 1000 लाइक का। यदि इस वीडियो पर 1000 लाइक आते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो ला सकूं। सो गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है शौर शैनी अपभ्रंश से, ऑप्शन डी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। गाइस दूसरा क्वेश्चन है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है। पाली, संस्कृत, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है, तो भारत की प्रथम देश भाषा है पाली, ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। गाइस तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। खड़ी बोली, ब्रज, अवधि, पाली, ऑप्शन डी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, पाली। चौथा क्वेश्चन है गाइस, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा, इनमें से कोई नहीं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, ऑप्शन वी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, व्याकरण से होता है। हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। स्वर, संयुक्त अक्षर, व्यंजन, स्वतंत्र ध्वनि। हिंदी में स्वतंत्र रूप से में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। गाइस अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। स्वर, व्यंजन, वर्ण, अक्षर, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, व्यंजन। का, खा, गा, फा में से कौन सा उर्दू से लिया गया है। खा ये उर्दू से लिया गया है, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है गाइस, जिन शब्दों में अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ, अकारांत। जिन शब्दों में अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है अकारांत, ऑप्शन डी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। 9 से 13 क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। नवा क्वेश्चन देखिए और बताइए, नमे क्वेश्चन की वर्तनी कौन सी शुद्ध होगी, ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, अनुच्छेद। तो अनुच्छेद इस प्रकार से लिखा जाएगा ना, पूंजीवाद कैसे लिखा जाएगा, पूंजीवाद की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, ओके। अंतर्निहित, अंतर्निहित की शुद्ध वर्तनी क्या होगी गाइस, ऑप्शन सी जो लोग हैं बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, अंतर्निहित। परीक्षा की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, परीक्षा, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। षड्यंत्र, षड्यंत्र की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, षड्यंत्र, ओके। निर्देश 14 से 17 क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों से कीजिए। कवीश्वर में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि। कवीश्वर, तो कवीश्वर में कौन सी संधि होगी गाइस, कवीश्वर में हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि, ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, ओके। संसार का संधि विच्छेद क्या होगा, सत, धन, सार, यानी कि इसमें हो जाएगा आपका व्यंजन संधि, ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। तन्मय में संधि कौन सी होगी, तत, धनमय, ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, व्यंजन संधि। इत्यादि में संधि कौन सी होगी, इत, धन, आदि, इत्यादि, ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, यहां पर हो जाएगी आपकी यण संधि। 18 से 24 क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए।
पुनर्जन्म में कौन सी संधि होगी, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा पुनर्जन्म। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, पुनर्धन जन्म। पितृ ऋण, तो पितृ ऋण का संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं पितृ धन ऋण, सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इत्यादि, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, इत्यादि का संधि विच्छेद होगा इति धन आदि, ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर की संधि क्या होगी गाइस, युद्ध में स्थिर, यानी कि ऑप्शन ए युधि धन स्थिर। जगदीश, जगदीश में, जगदीश की संधि क्या होगी, अगर पूछा जाए कि जगदीश में प्रयुक्त संधि क्या कौन सी होगी, जगदीश में संधि होगी आपकी व्यंजन संधि, ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। कनकटा, सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा, कनकटा, तो कान धन कटा, ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। रामायण, तो रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा, राम धन आयन, ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, ओके। 25 से 28 क्वेश्चन देखेगा गाइस, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। दशानन में समास क्या होगा, दिगु बहुप्रिय कर्मधार द्वंद, तो दशानन जिस वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहां पर आपका बहुप्रिय समास होगा, तो दशानन ये प्रसिद्ध व्यक्ति है, दस आनन है जिनके, यानी कि रावण, ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। रोग पीड़ित, रोग का पीड़ित, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो यहां पर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। देखिए गाइस, जिस वाक्य में प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर आ जाए, हर आ जाए, उद आ जाए, प्रति आ भर उद हर, इतने आ जाए ये वाक्य, प्रति आ भर उद हर, जैसे कि प्रतिमान में कौन सा मतलब होगा आपका समास, तो यहां पर देखिए गाइस, मैंने आपको बताया था कि अव्यय और समास को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है जिस वाक्य में प्रति आ भर उधर आ जाए तो वहां पर आपका अव्ययीभाव समास हो जाता है, ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। वीर पुरुष, वीर का पुरुष यही होगा ना, कर्ता ने कर्म को, तो यहां पर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो 29वां क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बताइए कि तत्सम शब्द कौन सा होगा, इसमें तत्सम शब्द, ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, चंद्रमा। 30 क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, इसमें बताइए तत्सम शब्द क्या होगा, तो इसमें आपका तत्सम शब्द हो जाएगा विवाह, ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। हसी कपूर ओच आम, तो इसमें बताइए तत्सम शब्द क्या होगा, तो इसमें जो है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा ओच, ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। खेत नहर निर्मम कुछ, इसमें तत्सम शब्द क्या होगा, इसमें आपका तत्सम शब्द हो जाएगा निर्मम, ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। सुमन नाखून कौवा बहाव, इसमें बताइए तत्सम शब्द क्या होगा, सुमन, ऑप्शन ए इज राइट। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, 34वां क्वेश्चन देखिए, इसमें बताइए तद्भव शब्द कौन सा होगा, कान नासिका परीक्षण कटक, कान ही आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए पीड़ा केरा पर्याप्त शिल्प, इसमें तद्भव शब्द कौन सा होगा, इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा पीड़ा, ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। 36वां क्वेश्चन देखिए, इसमें बताइए तद्भव शब्द क्या होगा, 36वें क्वेश्चन में तद्भव शब्द क्या होगा, पक्षी नत अंधेरा पश्चिम, ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, अंधेरा। 37वां क्वेश्चन देखिए, इसमें बताइए तद्भव शब्द क्या होगा, बालिका बेत आज्ञा सिद्धि, बेत में आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। रक्षा तमंचा विरोध शांति, इसमें तद्भव शब्द कौन सा होगा, इसमें आपका तद्भव शब्द हो जाएगा तमंचा, ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे।
39वां क्वेश्चन है गाइस, परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त तो होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? योगरूण, रूण, योगिक शंकर। परंपरा में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? योग रूण कहलाते हैं। ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। 40 से 44 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित प्रत्येक चार विकल्पों में से बेमल असंगत शब्द चिन्हित कीजिए। शारीरिक, दैहिक, मानसिक आदि, इसमें बेमल शब्द का क्या होगा? तो उसमें हो जाएगा आपका बेमल शब्द आदि। ऑप्शन डी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस, घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे, तो इसमें बेमल शब्द क्या होगा? बेमल शब्द घर जो है आपका, ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा, क्योंकि प्रियजन, परिवार, बच्चे ये सभी लोग घर में रहते हैं ना, तो प्रियजन, परिवार, बच्चे ये सब अलग हो जाएंगे, घर जो है आपका ये बेमल हो जाएगा। सिर, शीश, मस्तक, शीर्ष, इसमें बताइए बेमल शब्द क्या होगा? मस्तक जो है आपका, ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 43, निगाह, दृष्टि, नेत्र, नजर, बेमल शब्द क्या होगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका बेमल शब्द ऑप्शन सी, नेत्र। ओके, समस्या, जटिलता, कठिनाई, खेद, इसमें बेमल शब्द क्या होगा? समस्या, जटिलता, कठिनाई, खेद, तो इसमें बेमल शब्द हो जाएगा आपका खेद। ऑप्शन डी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, निर्देश 45 से 49 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची छांटिए। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, स्वर्ग का पर्यायवाची नरक, ब्रह्मांड, यमलोक, खौ, तो स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होता है खौ। ऑप्शन डी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? किनरेस, कोविद, धनाधिप, राजराज। कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? धनाधिप। ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा गाइस? रात्रि का, तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है बिवाभरी। ऑप्शन डी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ओके, भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा गाइस? तो भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द होता है गंगा। विद्युत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गर्जन, दामिनी, चमक, पयोध। विद्युत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो विद्युत का पर्यायवाची शब्द होता है दामिनी। ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए। सामंजस्य का विलोम शब्द क्या होगा? विवाद, कलह, संताप, द्वेष। तो सामंजस्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो सामंजस्य का विलोम शब्द होता है ऑप्शन ए, विवाद। ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? निराभिमानी, निडर, यशस्वी, निस्तेज। ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? ओजस्वी का विलोम शब्द होता है निस्तेज। ऑप्शन डी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। पराक्रम का विलोम शब्द क्या होगा? भीरुता, दुविधा, आलस्य, दुर्बलता। पराक्रम, तो पराक्रम का विलोम शब्द होता है भीरुता। ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? अप्रसन्नता, शोक, विषाद, दुख। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद। क्रोध का विलोम शब्द क्या होगा? कृपा, आशीर्वाद, क्षमा, सहयोग। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, क्रोध का विलोम शब्द होता है कृपा। ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उत्तेजित का विलोम शब्द क्या होगा? कठोर, शांत, संदिग्ध, उद्वेलित। उत्तेजित का विलोम शब्द क्या होता है? शांत। ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, रंक का विलोम शब्द क्या होगा? बलवान, धनवान, किसान, मजदूर। रंक का विलोम शब्द क्या होता है? सो गाइस, रंक का विलोम शब्द होता है धनवान। ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 57 से 63 क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित पद छांटिए। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसको क्या बोलते हैं? दत्तक, दत्तक, अंकित, औरस, रेतुआ। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसको बोलते हैं दत्तक। ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे।
जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, इसको क्या बोलते हैं? आशुतोष, दम्भी, दुराधार्त, क्रोधी। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो इसको बोलते हैं दुराधार। ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ओके। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, प्रायश्चित, पश्चाताप, प्रताड़ना, इनमें से कोई नहीं। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इसका अर्थ होता है प्रायश्चित। ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस, जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य, दुसाध्य, क्लिष्ट, असोच। जिसका इलाज ना हो सके, तो जिसका इलाज ना हो सके उसको बोलते हैं असाध्य। ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। गाइस अगला क्वेश्चन है, जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो, कृपण, मितव्ययी, अल्पव्ययी, अपव्ययी, सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो उसको बोलते हैं अपव्ययी। ऑप्शन डी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस, जो काम ना करना चाहे, आलसी, निकम्मा, अर्कमक, दुष्कर। जो काम करना ना चाहे, अर्कमक। ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिसे ना देख सके, ना सुन सके और ना छू सके, उसको क्या बोलते हैं? निराकार, निर्गुण, अदृश्य, अगोचर। वीडियो को लाइक करते जरूर चलें, आज का टारगेट है इस वीडियो पर 1000 लाइक का, ठीक है। जिसे ना देख सके, ना सुन सके और ना छू सके, उसको क्या कहा जाता है? अगोचर कहा जाता है। ऑप्शन डी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 64 से 69, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, तो उसमें कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं संयुक्त वाक्य, वो करेक्ट हो जाएंगे। ओके। अगला क्वेश्चन है, जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, इसमें क्या कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, इसमें आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य। ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ओके। मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और, इसमें कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और, इसमें हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस, व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी, इसमें कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी, तो उसमें हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ओके। सत्संग करो, सदाचारी बनो, इसमें कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विधिवाचक, संकेतवाचक। तो इसमें हो जाएगा आपका विधिवाचक। ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ओके। अगला क्वेश्चन है गाइस, प्रथम आने की कौन कहे, उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती, इसमें कौन सा वाच्य है? कृतवाच, कर्मवाच, भाववाच, संयुक्त वाच्य। इसमें हो जाएगा आपका संयुक्त वाच्य। ऑप्शन डी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में दिए गए चार चार विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, क्या आंसर होगा? सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। वह दंड के योग्य है, ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 71वें क्वेश्चन, बताइए कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी। भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। 72 क्वेश्चन देखिए, इसमें बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। बच्चे को फल काटकर खिलाओ, ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। 73 क्वेश्चन देखिए, इसमें बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें हो जाएगा उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। 74वां क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। पाठ पढ़कर कल आए, ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित मुहावरे लोक तृतियों के लिए उचित विकल्प चुनिए, जैसे कि अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का मुहावरा क्या होगा? देने से इनकार करना, अपमान करना, हंसी उड़ाना, धोखा देना। अंगूठा दिखाना यानी कि देने से इनकार करना। ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे।
अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मुहावरा क्या होगा? अंधा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अचानक कोई लाभ होना, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कि भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। ऑप्शन डी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ओके आंख लगना, आंख लगना का मुहावरा क्या होगा? आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना, प्रेम होना। आशंका होना यानी कि नींद आना। ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। औंधी खोपड़ी, इसका मुहावरा क्या होगा? कुछ निर्णय ना कर पाना, मूर्ख होना या फिर किकृत मूड होना, इनमें से कोई नहीं। औंधी खोपड़ी यानी कि मूर्ख होना। ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाए। कान का कच्चा, कम सुनने वाला, बहरा, कोई बात सुनकर उसे पचा ना सकने वाला, शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। कान का कच्चा, इसका अर्थ होता है शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। ऑप्शन डी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस, घाट घाट का पानी पीना, इसका मुहावरा क्या होगा? मारा मारा फिरना, शिक्षा ग्रहण करना, तीर्थ यात्रा करना, अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना यानी कि अनुभवी होना। ऑप्शन डी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप बैल मुझे मार, इसका मुहावरा क्या होगा? जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना, छेड़छाड़ करना, किसी को भी गाली देना, बैल के सामने बैठ जाना। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ठाक के वही तीन पात होना, यत्न पूर्वक रखना, सदा एक सा ऊटपटांग काम करना, अनुरूप बनना। ढाक के तीन पात होना, इसका अर्थ होता है सदा एक सा। ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस, 99 के फेर में पड़ना, इसका अर्थ क्या होता है? धन कमाने में लगा रहना। ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका मुहावरा क्या होगा? हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका मुहावरा होता है काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। हींग ना लगे फिट करी, रंग भी चोखा होए, इसका मुहावरा क्या होगा? हींग लगे ना फिट करी, रंग भी चोखा होए, यानी कि बिना मेहनत फल पाना। ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है? श्रृंगार, वीर, शांत, वितर्क। निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित प्रत्येक गद्यांश को समझकर सभी सही छंद का चयन कीजिए। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता, तो इसमें कौन सा छंद होगा? दोहा, रोला, बैरवे, हरगीतिका। इसमें छंद हो जाएगा आपका रोला छंद। ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार, दोहा चौपाई सवैया कवित। तो इसमें हो जाएगा दोहा। ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ओके 89 से 91 क्वेश्चन देखेगा गाइस, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में से प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। बीती बिवावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तराघट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा, उपमा रूपक या फिर उपमेयोपमा। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। 90 क्वेश्चन है गाइस, फूले काश सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इसमें कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा, उपमा रूपक, श्लेष। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिएगा, जो 10 बजे आपका वीडियो अपलोड हुआ था मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसमें करीब 2 से 3 क्वेश्चन गलत निकले हैं, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। 10 बजे जो मैंने वीडियो अपलोड किया था आज, उसमें करीब 2 से 3 क्वेश्चन रॉन्ग निकले हैं, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, या मुरलीधर की अदनान धरी, अदनान धरोंगी, इसमें कौन सा अलंकार होगा? रूपक, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा। इसमें हो जाएगा आपका यमक अलंकार। ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। अब 92 से 100 क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई रचना के रचयिता के नाम का चयन दिए गए 4 विकल्पों में से कीजिए। गबन के रचयिता कौन है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। गबन के रचयिता है मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे।
कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गांधी, केशव दास। कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। चित्रलेखा के रचयिता कौन है? यशपाल, भगवती चरण वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, अमृतलाल नागर। चित्रलेखा यहाँ पर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। गाइस अगला क्वेश्चन है, यामा किसकी रचना है? मीराबाई, माधवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत। यामा किसकी रचना है गाइस? यामा जो है आपका ये महादेवी वर्मा की रचना है, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गीतांजलि के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, कल्लड़। गीतांजलि के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त, अरिहोत। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई? मैथिली शरण गुप्त को, ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस, बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवता के प्रति अपने पौण भावों की वाणी किस कृति में दी? प्रणय पत्रिका, आरती और अंगारे, मधुशाला, धार के इधर उधर। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा प्रणय पत्रिका, ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ओके, 99 क्वेश्चन देखेगा गाइस, नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता के नाम का चयन कीजिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, गिरिधर। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, तुलसीदास। तो आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा, बघेली। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, मैथिली। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 1000 लाइक का, यदि इस वीडियो पर 1000 लाइक आते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद, जय भारत।